दोस्तों स्टाइलिश तो हम सभी दिखना चाहते हैं यार, पर जब हम स्टाइलिश दिखना चाहते हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, पर जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी स्टाइल मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे हमारी स्टाइल की बैंड बच जाती है और हम बेकार लगने लगते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसी स्टाइल मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आप ज़रूर करते होंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि वो ऐसी कौन सी स्टाइल मिस्टेक्स हैं जो जाने अनजाने में हो जाती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक की अगर हम बात करें तो वो है स्लीव्स को लेकर। जो हमारी स्लीव्स होती हैं, लोग करते क्या हैं, वो फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनते हैं या फुल स्लीव्स की शर्ट पहनते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। पर उसमें जो सबसे बड़ी गलती लोग करते क्या हैं, वो ऊपर फोल्ड नहीं करते हैं। अगर टी शर्ट पहन रहे हैं तो उसको आपको ऊपर कर लेना है। अब ये देख सकते हैं मैंने ये ऊपर कर रखी है, और मान लीजिए मैं ये नीचे कर रखी होती तो देख सकते हैं आप ये कैसी लग रही है। अब मैं इसको ऊपर कर लूँगा तो ये अच्छी लगेगी, आपका फोर आर्म का भी हिस्सा शो होगा और आप वॉच पहन सकते हैं जिससे आप और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर हम बात करें फॉर्मल ड्रेस की तो फॉर्मल ड्रेस तक तो ठीक है, वहाँ आप कोई बात नहीं है, आप फुल स्लीव्स की शर्ट पहन सकते हैं। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप शर्ट पहन रहे हैं तो उसको फोल्ड ज़रूर करना है आपने। तो आप फोल्ड करोगे तो आपकी स्टाइल और भी अच्छी हो जाएगी। दूसरी स्टाइल मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, वो है एक्सेसरीज़ को लेकर। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि यार आप एक्सेसरीज़ पहन सकते हैं जिससे आपकी स्टाइल की गेम अप हो जाती है, ऊपर हो जाती है। जैसे आप वॉच पहन सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, जिससे आप और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। पर लोग करते क्या हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसरीज़ पहन लेते हैं। वो वॉच भी पहनेंगे, वो बहुत ज़्यादा रिंग्स वगैरह पहन लेंगे, और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें पहनते हैं जैसे आपको फोटो में दिखाई पड़ता होगा, जिससे एकदम बेकार लगने लगते हैं, टपोरी लगने लगोगे आप। यार आपको जो भी चीज़ पहनना है वो अच्छी तरीके से पहनना है और ज़्यादा चीज़ें नहीं पहनना है। ज़्यादा एक्सेसरीज आप पहनोगे तो आपकी स्टाइल बेकार हो जाएगी। ज़्यादा चीज़ें नहीं पहनना, जैसे आप वॉच पहन रहे हो तो आपकी स्टाइल अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं पहनना है। बात करते हैं तीसरे स्टाइल मिस्टेक के बारे में, वो है पुअर सॉक्स क्वालिटी। इसका मतलब यह है लोग करते क्या हैं, वो जब मार्केट जाते हैं वो सॉक्स परचेस करते हैं, ठीक है यार, पर जब करते क्या हैं, वो पुअर क्वालिटी के सॉक्स परचेस कर लेते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के सॉक्स परचेस नहीं करते हैं। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लिया आपने सॉक्स परचेस कर लिए, अब वो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाएंगे। जब आपने कोई जीन्स पहन रखी होगी या कोई शॉर्ट्स पहन रखे होंगे तो वो आपके सॉक्स जो है बहुत ही बुरे लगेंगे, सब लोग आपकी देखेंगे और सब लोग आपको हंसेंगे देख के, कहेंगे यार ये क्या पहन रखा है उसने। जैसे आपको फ़ोटो में दिखाई पड़ता हुआ ऐसे ही आपकी लुक हो जाएगी, एकदम बेकार लगने लगोगे। तो आपको अच्छी क्वालिटी के सॉक्स पे इन्वेस्ट ज़रूर करना है। अच्छी क्वालिटी के सॉक्स परचेस करोगे तो आपकी स्टाइल और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। बात करते हैं अगली स्टाइल मिस्टेक के बारे में, वो है डीप वी नेक को लेकर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार डीप वी नेक अच्छी लगती है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी लगती है, पर यार अगर आपके चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा हेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो यार डीप वी नेक बिल्कुल बेकार लगती है। अगर आप डीप वी नेक पहनते हो तो यार एकदम बेकार लगोगे अगर आपके चेस्ट पे हेयर हैं। अगर आपके चेस्ट पे हेयर नहीं है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, तब तो कोई बात नहीं, आप पहन सकते हो। पर आपके चेस्ट पे अगर हेयर हैं, अगर आपने डीप वी नेक पहन ली तो सब लोग आप पे हंसेंगे। आपको क्या करना है, आपको पोलो टी शर्ट पहनना है या फिर राउंड नेक की टी शर्ट पहनना है, जिससे आप अच्छे भी लगोगे और आपके जो चेस्ट के हेयर्स हैं वो भी छुप जाएंगे। तो आपको डीप वी नेक नहीं पहन रहे, बहुत बड़ी स्टाइल मिस्टेक होती है जो अक्सर लोग गलती किया करते हैं। अगली स्टाइल मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, लोग करते क्या हैं, वो सॉक्स पहन लेते हैं किसके साथ, सैंडल्स के साथ। सैंडल्स तो वैसे ही यार बच्चों के लिए बनाई गई है, बच्चे पहनते हैं वो। अगर आप सैंडल्स पहनेंगे और उसके ऊपर से आपने सॉक्स पहन लिए तो यार आपकी स्टाइल की गेम की तो बैंड बज गई ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको स्लीपर्स पहनना है, आपको सैंडल्स नहीं पहनना है। सैंडल्स छोटे बच्चों के लिए होती हैं, अगर आप पहनोगे तो आप एकदम बेकार लगोगे, ऐसा आपको नहीं करना है यार, ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो सैंडल्स आपको नहीं पहनना है, उसकी जगह पे आप स्लीपर पहन सकते हो। बात करते हैं लास्ट मिस्टेक के बारे में, जो अक्सर लोग गलती किया करते हैं और वो आप भी कर रहे हो, वो ये है कि वो प्रिंटेड टी शर्ट पहन लेते हैं। प्रिंटेड टी शर्ट ठीक लगती है यार, पर आप कहीं ऐसे घर पे हो तो ठीक है प्रिंटेड टी शर्ट पहन सकते हो, पर जब आप पार्टी में जा रहे हो या कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको एक प्लेन टी शर्ट ही पहनना चाहिए। प्लेन टी शर्ट आप पहनोगे तो आपकी स्टाइल हमेशा अप रहेगी और आप दूसरे लोगों से डिफरेंट दिखोगे, हैंडसम दिखोगे। प्लेन टी शर्ट ही आपको पहनना चाहिए।
अगर आप प्रिंटेड टी शर्ट पहनना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत प्रिंटेड है चल जाएगी, पर बहुत ज़्यादा प्रिंटेड बेकार लगेगी। तो दोस्तों ये 6 ऐसे स्टाइल मिस्टेक्स है ना जो लोग जाने अनजाने में किया करते हैं, आप तो नहीं कर रहे हो, ये बंद कर दीजिए अभी यार, और आपकी स्टाइल की गेम यहाँ से यहाँ आ जाएगी यार, और सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, कहेंगे वाह यार वो बंदा तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो लाइक देना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना अपने दोस्तों के साथ। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हम वहाँ पर अच्छे अच्छे पिक्स पोस्ट करते रहते हैं, स्काइकिंग हेल्थ नाम से ही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।